हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एक ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, जो हम तिरुपति बालाजी, श्री शैलम ज्योतिर्लिंग और चेन्नई का टूर बन रहा है, आपको दिखाते हैं। तैयारी हो रही है निकलने की, तो चलिए। ये देखिए, इनको लेके जा रहे हैं हम चेन्नई। तो ये इन्हीं के कारण हम सब लोग चेन्नई जा पा रहे हैं, तिरुपति बालाजी। तो फ्रेंड्स, हमने चल दिया है बस में, अब सफ़र कर रहे हैं बस से स्टेशन के लिए जा रहे हैं। हाँ, हम आ चुके हैं भोपाल जंक्शन पर। हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, चलिए अंदर चल के मिलते हैं। यानी खाना बोले 50 रुपए। हमारी तूफान गाड़ी तैयार हो गई है, सवारी बैठ चुकी है, बस जाने के लिए तैयारी चल रही है। हमारी हैदराबाद सिटी है, यहाँ से हम श्रीशैलम के लिए टवेरा में बैठ चुके हैं। ये देखिए, उदय भाई भी शूटिंग कर रहे हैं। और ये ओम फो लाठी काट रही है। चलिए कुछ नाश्ता कर लिया जाए। क्या क्या खा रहे हो? वही पूछ रहे हैं ना, हम क्या खा रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? चाय, मच्छी, चाय पी। आ जाओ, मच्छी लेने आई।
ये देख मुर्गा बैठा है जी ये ऊपर चल आज जगह पर यही पे रोकना क्या स्पाइस कितनी टर्निंग है यार जबरदस्ती की। हाँ सीधे कोना नहीं दे पानी गिरता है यहाँ पे बिजली बंद की है। अरे यार जी नहीं अभी नहीं बाद में ओए देख के तो फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सा भगवान स्टैच्यू ऑफ हनुमान जी देख जवान दाल दाल मोहन डाल के चकना 50 वाली कैरी तंदूर तंदूर मिलना जरूरी है। अरे यार मम्मा लड़ाई नहीं कर रहे ना जो कहाँ रोक रहे होटल जो मंदिर है होटल होटल वो देखो ना आए वहाँ नहीं मंदिर क्यों आएंगे चलो ना आते कूद जाओ झोला में पटाई पप्पी वो भी 18 प्लस वाला कैसे गंदे होगा देख रहा है इधर बैठ जाओ यहाँ पीछे हाँ इधर आ जाओ दिशु हाँ मगर हो सकती है ये कृष्णा नदी है इस घाट पे स्नान करने के लिए आए हैं ये सावर दिए हैं इस सावर में स्नान करेंगे हम होटल में ఇలాంద్రానా నాళే ఆదంద్రా అదే
करने के बाद नीचे ओल्ड वाला जी और नीचे के दो तीन पद्मावती मंदिर, ये सारे मंदिर घूमने जा रहे हैं। हमारे विजय भाई ने टकला दिखाया और इसके बाद हम महालक्ष्मी मंदिर गोल्डन टेम्पल जाएंगे और नाइट ऑल करेंगे। इसके बाद कल फिर हम वापस आपसे मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो ये रही होटल जिसमें हम नाश्ता करेंगे। हमारी गाड़ी देखिए, ये नाश्ता हो रहा है, चाय की पार्टी चल रही है। इधर ये देखिए, इधर इनका टिकट बन रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये लगे हुए हैं। धुर भी अपने काम से लगी हुई है। हाय बोलो, इधर चाय हो रही है। इन लोगों को हमने सुबह से चाय नहीं पिलाई थी, तो ये चाय की तलब लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब इनको चाय मिली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी चाय है। नहीं, लग कैसा रहा है? चाय में भी अच्छा लग रहा है, संजीव नहीं मिल गई जैसे। और ये दोनों खाली बैठे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं खाली बैठ के। फ्रेंड्स, ये लोग काफ़ी भूखे हो चुके हैं। देखिए, ये डोसे के अंदर से निकाल निकाल के खा रहे हैं। हम तो भाई आलू लगा रहे हैं। अभी इसका डोसा आया नहीं है, ये हवा खा रही है अभी। देखिए, इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी, प्लेट खाली कर दी पूरी। बहुत अच्छा डोसा था यहाँ का। कैसा था? बहुत अच्छा था डोसा। चार तरीके की चटनी दी है इनने, पर हम एक सही खा रहे हैं। बाकी अच्छी नहीं है? नहीं है। ये देखो, नाश्ता हो रहा है इधर। चाय के बाद अब नाश्ता। अब इसका भी आ गया है, अब हमारा चांस देखते कब आता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम कुछ नाश्ता करने काफ़ी दूर हो आ चुके हैं और ट्रेवल भी काफ़ी लंबा है, इसलिए कुछ नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते। तो हम भी
अब गोल्डन टेम्पल के लिए जा रहे हैं, उसके बाद चेन्नई जाएंगे। अभी यहाँ लोकल में घूम लेते हैं, तो सबसे पहले नाश्ता कर लें, उसके बाद घूमते हैं। चलिए आप भी कुछ खा लीजिए अब तक। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये ग्रीन चटनी है, ये शायद नारियल की चटनी है वाइट वाली। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इधर पे हमें टेस्ट मिला नहीं है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग तिरुपति से निकल चुके हैं ट्रेवल करके। इसमें सभी मेंबर लोग मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉयमेंट करते हुए, और हम जा रहे हैं अभी गोल्डन टेम्पल, उसके बाद जाएंगे चेन्नई। तो अभी हम लोकल में घूमेंगे पहले तो तिरुपति में। तो यहाँ के तीन चार मंदिर हैं, अब देखते हैं गणेश जी और कुछ बालाजी इस टाइप का बताया था। तो देखते हैं, हमारे ड्राइवर का नाम है बाजीराव मस्तानी, जो काफ़ी बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, घूमते फिरते चलते हैं। आइए, ये दोनों भी मस्ती में लगे हैं पीछे। बच्चा पार्टी भी लगी है। चलिए के लिए सोना हार लेके आए, भागोगी क्या सीता कार लेके आए, मौसम का पूरा चुपचाप चोरी चोरी पीछे आए, तुम्हारे लिए रेड साड़ी लेके आए, कान बड़ा है एक दिक का, तुम्हारे लिए एप्पल लेके आए। लॉन्ग ड्राइव में तुम्हें ले जाएंगे, मकाई का डोडा खिलाएंगे, दूध का पानी पिलाएंगे, माउंट आबू में गाड़ी चढ़ाएंगे, और पापा की परी तुम मोम को बोल दो। साइकिल पे घूमा है हाइड पे मोटर साइकिल भगा के दे स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे दे। हम आ चुके हैं अब कालसिप, ये तिरुपति के पास में ही है स्थान,
यहाँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, रास्ते में हैं, तो चलिए देखते हैं। इन लोगों ने कितने प्लेट खाना खाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेट दो जने खाना खा रहा है। चलिए हम आ चुके हैं कनिपकम विनायक मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। तो हम चलते हैं, अब गेट पर है। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार के नाम हैं सभी मंदिरों के, जो काफ़ी कम याद रहते हैं। ये देखो हमारी ध्रुवी भी पैदल जा रही है। देखिए ये आ गया है मंदिर का द्वार, तो हमें यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये देखिए ये मंदिर, कितनी भव्य लाइट हो रही है यहाँ पे। ये तालाब बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सिर्फ कांची, जो कांचीपुरम में है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये भव्य द्वार बना है। देखिए फ्रेंड्स, ये भव्य गेट है जो काफ़ी दिन से बंद नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये देखिए पुराई हो चुकी है। अब ये इनको खोद रहे हैं और गेट को खोलने के लिए। ये टेंपल देख सकते हैं आप, इस मंदिर में ये देवधाम के पीछे आश्चर्यजनक आम का बड़ा पेड़ है। कामाक्षी आमा ने इस पेड़ के नीचे तपस्या करके शिव शंकर के साथ विवाह किया था। यह वही पुण्य भूमि है। इस आम के पेड़ की उम्र करीब 3500 वर्ष है के ऊपर है। इस पेड़ की चार बड़ी बड़ी शाखें हैं, जिसमें अलग अलग तरह के स्वाद वाले आम लगते हैं। बस चारों शाखों के आम अलग अलग आकृति वाले लगते हैं। इस पेड़ को यहाँ की भाषा में आवावरम कहते हैं। चलिए हम इसको पेड़ को दिखाते हैं आपको। ये वही पेड़ है जिसमें ये चार प्रकार के आम लगते हैं। ये देखिए इसका विस्तार दिया है इसमें। ये महाम्मा ने तपस्या की थी। यहाँ पर ये शिवलिंग रखे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में रखे हैं यहाँ शिवलिंग, जिनको लोगों की धोती भी पहना रखी है। और पत्थर का मंदिर होने के कारण आवाज़ भी गूंज रही है। ये देखिए वहाँ तक इस शिवलिंग है। ये देखिए किस तरह से बारीक बारीक आकृतियाँ उकेरी हैं पूरे खंभों में, इसी तरह से पूरे खंभे बने हुए हैं।
ये देखिए इसमें अंदर मंदिर के प्रांगण में ये बनी आकृतियाँ, और ये काफी प्राचीन मंदिर होते हुए बहुत ही मनमोहक दृश्य है इसके। इसका प्रांगण भी देखिए कितना बेहतरीन मनमोहक लग रहा है, और इसमें एक बावड़ी दी है जिसमें सीढ़ी से होते हुए नीचे जाते हैं, और बीच में एक स्तंभ दिया है जिसको हम मंदिर कह सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी जगह भी है। यहाँ पे एक खम्भे बना हुआ है, ये खम्भे भी देखिए, ये खम्भे ऊपर तक गया हुआ है, इसको शायद झंडा कहते हैं। यह है छोटा सा मंदिर बना है जिसमें नंदी भगवान बैठे हुए हैं। देखिए काफी मनमोहक दृश्य मंदिर का, ये प्रांगण, ये दूसरा मंदिर भी है, और ये हमें द्वार दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कांचीपुरम में विष्णु कांची मंदिर है जो पीछे दिखाई देगा, अभी हम टीन सेट चढ़ी हुई इस कारण से दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर देखिए ये पत्थर की सांकड़ दिख रही है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, और ये अब हम अंदर चलते हैं ये मंदिर में। ये भव्य द्वार मंदिर का देखिए आप आकृति, ये देखिए अंदर का, अंदर ये बड़े बड़े खंभे बने हुए हैं, ये विष्णु कांक्षी भगवान अब तैयार होकर निकल रहे हैं बाहर। पालकी में जा रहे हैं भगवान जी, किस तरह से भगवान की पालकी निकाली जाती है। भगवान अपने मंदिर से बाहर आ रहे हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये देखिए छत्र छाया में ले जाया जा रहा है भगवान को।
भगवान को झूला झुलाते हुए खड़े हुए हैं। भगवान की पालकी को ले जा रहे हैं। सभी मंदिरों में ले जाया जा रहा है। गोविंदा। ये हम विष्णु कांची मंदिर कांचीपुरम में हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये तालाब में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, जो कि 40 साल में एक बार इस तालाब को खाली किया जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं, इसको खाली करके जो प्रतिमा निकाली जाती है, फिर उसकी पूजा होती है। उस दिन मेला लगता है इस कांचीपुरम में, पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ मतलब काशी के बराबर तीर्थ माना जाता है इसको, यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है। गोविंदा। बच्चा पार्टी Thank you.
फोटो खींचते जाएंगे ना इसे। अरे यार फोटो ही खींचने हम एक बार और यार 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 यार, यार।